तो क्या होता अगर एवेंजर्स इन गेम का स्टोरी कुछ ऐसा होता। तो नताशा और हॉकाई एक दूसरे से लड़ रहा था ताकि कोई एक सोल स्टोन के लिए सैक्रिफाइस कर सके। इन्हें देख के रेड स्कल कहता है मैं ही सैक्रिफाइस कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों से इस जगह में रह रहा हूँ और बोर हो चुका हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए। इतना कहते हुए रेड स्कल सैक्रिफाइस कर देता है और हॉकाई एंड ब्लैक विडो को सोल स्टोन मिल जाता है। टाइम ट्रेवल होने के बाद थैनोस के आर्मी एवेंजर्स हेडक्वार्टर में मिसाइल से अटैक कर देता है। थैनोस जादूगर से पूछता है कि सभी मरा या नहीं। जादूगर कहता है नहीं, जिसे सुनकर थैनोस फिर से मिसाइल अटैक करने का ऑर्डर देता है और इस बार सभी सुपर हीरोज का डेथ हो जाता है। तो बिग थ्री और थैनोस का फाइट होने वाला था। बिग थ्री फाइट के लिए रेडी हो जाता है तभी थैनोस अपना भाषण देना शुरू करता है, लेकिन थॉर अपना म्यूनिट थैनोस के ऊपर थ्रो करता है जिस वजह से थैनोस उठ नहीं पाता और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस को मार देता है। तो एवेंजर्स असेंबल होता है थैनोस के आर्मी से लड़ने के लिए, लेकिन तभी वॉन्ग आता है और मिरर डायमेंशन का यूज करके थैनोस के आर्मी को वैनिश कर देता है एंड स्लिंग रिंग और कट का यूज करके थैनोस को मार देता है। अपना वांडा गुस्से में थैनोस को कैन के डिब्बे की तरह कुचल देता है। तो फीमेल एवेंजर्स कैप्टन मार्वल को गॉन्टलेट पहुंचने में मदद करने के लिए आता है, बट कैप्टन मार्वल थैनोस के आर्मी को मार के चला जाता है। तो थैनोस कहता है आई एम इनअवेलेबल, ग्रूट कहता है आई एम ग्रूट, जिससे दोनों झगड़ने लगता है। तभी बैटमैन आता है और कहता है आई एम बैटमैन एंड स्नैप करके थैनोस को गायब कर देता है। तो आयरन मैन मरने वाला होता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और टाइम स्टोन की मदद से आयरन मैन को बचा लेता है। सो सब्सक्राइब।